एक बार फिर से आप सभी का मेरा YouTube चैनल MS Techno Hub पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप नए हो मेरे चैनल पे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो मेरे उन कस्टमर्स के लिए है जिनको जो है प्रिंटर कन्फिगर करने में प्रॉब्लम आती है, जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है उसको सेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको बीजी ओपन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सीधे से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको फर्स्ट में जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, यदि आपके पास जो भी प्रिंटर सेलेक्टेड हैं, मतलब आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हैं, तो यहाँ पे आपको वो शो हो जाता है। अदरवाइज यदि आपके पास प्रिंटर में जो है इंस्टॉल नहीं है, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो आपको वहाँ से गूगल से, क्रोम से, या फिर जाके गूगल पे आप उसका ड्राइवर पहले इंस्टॉल कर लीजिए अपने पीसी में, तभी आपके जो पीसी में जो है यहाँ पे बीजी के अंदर वो शो होगा। अगर आपके पीसी के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो जो प्रिंटर है वो यहाँ पर आपको शो नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रिंटर इंस्टॉल कर लेना है वहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी प्रिंटर जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस पे आप प्रिंट देना चाहते हो, डिफ़ॉल्टेड बीजी से इनवॉइस प्रिंट करना है या फिर लेजर प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से वो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जी कैनन LBP 2900 प्रिंटर सेट है, ठीक है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट कर देता हूँ। ये आपका वाइट फोल्डेड ऐसे ही रहेगा, ज़ीरो लेंथ रखनी है अपने को, ठीक है। यहाँ पर ये भी 60 रहनी है। नेक्स्ट आता है अपना प्रिंटर स्टाइल, ठीक है। यदि आपकी प्रिंटिंग प्रिंटर का जो है, यदि आपका डॉस बेस है या फिर विंडो बेस है, वो यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। यदि बोल सके होता है कि पहले जो चलता था वो चलता था डॉस बेस, मतलब डॉट मैट्रिक्स वाला, तो आपको उस कंडीशन में यहाँ पे आपको डॉस बेस शॉट सेलेक्ट करना है। जिस भी कंपनी के आपके पास प्रिंटर है वो कंपनी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी जो चल रहा है, अभी आपके पास जो अपन ने ये कैनन LBP 2900 जो प्रिंटर है, ये विंडो बेस होता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे विंडो बेस जो है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे डिफ़ॉल्टेड 0.25 इंच डिफ़ॉल्टेड सेट आता है बीजी के अंदर। आप इसको मिनिमम 10 तक कर सकते हो, आप अपने हिसाब से। यदि प्रिंटर के अंदर जो ऊपर का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको कम कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको मिनिमम 10 कर सकते हो और मैक्सिमम आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे श्रिंक प्रिंटर टू। अब यहाँ पे जो होता है, देखिए यहाँ पे बीजी ने नीचे लिख रखा है पूरा, श्रिंक प्रिंटिंग परसेंट शुड बी इन बिटवीन 19 एंड 100। आप इसको मिनिमम से मिनिमम 19 तक कर सकते हो और मैक्सिमम 100 तक कर सकते हो, ठीक है। यदि आपका प्रिंटर जो फॉर्मेट है, जब आप प्रिंट कर रहे हो तो उस टाइम पे यदि आपका जो फॉर्मेट का पेज है वो कट के आ रहा है आगे से, यदि उसका अमाउंट कट रहा है कुछ भी हो, तो आप उस प्रिंटर को सीक्वल में लाने, मतलब एक पेज में लाने के लिए आप यहाँ पर इसको 19 कर सकते हो, यहाँ पर इसको माइनस कर, मतलब 95 करोगे तो जो आपका जो पीछे से कट के आ रहा है पेज वो एकदम पेज पे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से, यदि पेज में कुछ भी होता है, वैसे तो ये डिफ़ॉल्टेड 100 ही रहता है, तो वैसे 100% में ये एकदम सही आता है प्रिंट, फिर भी यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा कट के आ रहा है, आगे निकल रहा है पेज, तो आप यहाँ पर इसको कम कर सकते हो। इस कन्फिगरेशन को मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पर बिल प्रिंट करता हूँ, तो देखिए मॉडिफाई किया मैंने। अब यहाँ पे मैं इनवॉइस प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिए जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे वो प्रिंटर ड्राइवर बाय डिफ़ॉल्टेड सेट होके आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपको वो प्रिंट कर देगा। अब आपको यदि चाहिए कि जैसे मैं अलग अलग फॉर्मेट वाइज यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनवॉइस डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग में एडवांस में जाना है, इनवॉइस सेल्स इनवॉइस में, ठीक है। यदि किसी अलग अलग फॉर्मेट को प्रिंटर वाइज अब अलग अलग प्रिंटर अपन सेट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो जैसे मेरे को हाफ पेज वाले पे जो है
अलग प्रिंटर सेट करना है तो मैं यहाँ पे हाफ पेज पे क्लिक करके पेज सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप इसको यस करोगे तो ये कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे, तो सेम वही विंडो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। जैसे मैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर का जो है ये प्रिंटर डिफ़ॉल्ट सेंड कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ से भी सेव कर देना है। नेक्स्ट अपना GST बिल है, तो मैं इसमें अलग प्रिंटर सेट करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ भी अपने यहाँ से कर सकते हैं। सेम मैंने वही प्रोसेस की यहाँ पे, इसको यस किया, कॉन्फ़िगर किया। अब यहाँ पे मैं एनीडेक्स प्रिंटर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अपन इस हिसाब से जो है अलग अलग फॉर्मेट वाइज भी अलग अलग प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि आपको चाहिए कि मैं यूज़र वाइज अलग अलग प्रिंटर सेट करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी यहाँ पे यूज़र के अंदर जाना है। अभी जो मेरे पास एक यूज़र बना हुआ है वो ए नाम से बना हुआ है, ये हमारा सुपर यूज़र होता है बीजी का। आप इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट कर देता हूँ, बीजी, इसका पासवर्ड मैं बन रख देता हूँ, ठीक है। F2 करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जो है इसका प्रिंटर मैं अलग सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक इसका शॉर्टकट की दी हुई होती है स्विच यूज़र का, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट यू जैसे ही प्रेस करूँ तो दिखा देता हूँ। तो अभी जो हमारे पास यूज़र है, दो यूज़र है, ठीक है। अभी हमारा जो यूज़र खुल रहा है वो ओपन है ए यूज़र, जो हमारा सुपर यूज़र है, ठीक है। सेकंड मैंने बीजी के नाम से बनाया हुआ है, जो हमारा सेकंड यूज़र है। अब मैं इसके अंदर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पर शॉर्टकट की होती है ऑल्ट यू, ठीक है, स्विच यूज़र की। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके ये मैं एक यूज़र क्रिएट जो है वो बीजी वाला यूज़र ओपन कर देता हूँ। BZ1 पासवर्ड था उसका, मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है ये हमारा बीजी यूज़र ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में, मैं यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर में यहाँ पे दूसरा प्रिंटर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यदि अपन प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो जो फॉर्मेट जो है, जो प्रिंट होगा वो जो एनडेक्स प्रिंटर के नाम से जो मैंने सेलेक्ट किया था, वो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर अपना यहाँ पे इस यूज़र में सेलेक्ट हो चुका है। ऐसे ही आप अलग अलग यूज़र वाइज भी प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सर बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है बीजी के अंदर, कि आप यूज़र वाइज भी अलग अलग प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको जो है इस वीडियो में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।